हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से आप सभी की चल रही होगी। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए न्यू गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है। DSSSB की तरफ से वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी। वेरियस पोस्ट में आपको LDC जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर पोस्ट रहने वाली है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टोटल 2354 सीट्स के लिए वैकेंसी निकल के आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम की पैटर्न कंप्लीट डिटेल में आपको बताने वाली हूं। तो अगर आप भी इसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हो तो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स की DSSSB में LDC जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आउट हो चुकी है। अब जानते हैं DSSSB होता क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसकी जो रिक्रूटमेंट कराई जाती है। DSSSB का मतलब होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके अंदर आपको जैसा पहले भी बताया है, टोटल 2354 सीट्स आई है। चलिए पहले कैटेगरी वाइज देख लेते हैं किस सीट के लिए कितनी वैकेंसी आउट हुई है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जनरल के लिए 1074 सीट्स है, OBC के लिए 677 सीट्स, EWS के लिए 214, SC कैंडिडेट्स के लिए 289 एंड ST के लिए यहाँ पर 100 सीट्स रखी गई है। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज कितना सीट आया है, मतलब पांच पोस्ट के लिए यहाँ पर है और कितना कितना सीट डिस्ट्रीब्यूटेड है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट पोस्ट आपका है जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 का, 1672 सीट्स आई है। बम्पर नंबर की सबसे ज़्यादा जो सीट आई है ना, जूनियर असिस्टेंट के लिए ही आई है। सेकेंड है स्टेनोग्राफर, 186 सीट्स है। LDC के लिए 284, जूनियर असिस्टेंट के लिए 98, असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 104 सीट्स है। सो आई होप कि ओवरऑल आप ये समझ गए होंगे कि क्या क्या सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन हो जाएगा 9th of January से, एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 7th of February 2024 रहने वाला है। बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 7th of February की लास्ट डेट है तो आराम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, नहीं। 9th of January से जैसे ही आपका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट होता है, जल्द से जल्द आप अप्लाई कर देना। आइए देख लेते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपसे क्या फी लिया जाएगा। जनरल OBC एंड EWS से यहाँ पर 100 रुपीज़ लिया जाएगा फॉर्म फी। SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन से कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। वहीं पर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपका जो एज कैलकुलेट होगा ना, एज ऑन 7th of February 2024 मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स एज यहाँ पर आपका रखा गया है। ये आपको पोस्ट वाइज डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम एज अलग अलग पोस्ट के लिए अलग है, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ पर अगर बात करें कि क्या एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जी हाँ, OBC को मिलेगा 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन एंड SC ST को 5 ईयर्स का मिलेगा। अब रही बात कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। सिंपली 10+2 पास आउट कैंडिडेट सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस था, आप इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है 10+2, डजेंट मैटर क्या परसेंटेज है, आप एलिजिबल रहने वाले हो। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपके पास ना टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, कैन स्टेनो के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट का शॉर्ट हैंड का नॉलेज आपको होना चाहिए। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वैसे तो जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हो ना, हर पोस्ट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह है वो दिया रहेगा, तो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए आगे देख लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है। योर सेलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेज। एट फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके बाद टाइपिंग या फिर स्टेनो टेस्ट, मतलब पोस्ट वाइज डिफर करता है। स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो की होगी, जूनियर असिस्टेंट और LDC के लिए टाइपिंग की टेस्ट होगी। फिर आपका थर्ड स्टेज पर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सिंपली एक मेडिकल होगा, उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग लेटर की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज पे ऑनलाइन एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका जो पेपर होगा ऑनलाइन, उसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर है। निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब 0.25 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर देखें, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, उसके बाद लैंग्वेज मतलब हिंदी लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए। लास्ट सब्जेक्ट जो आपका यहाँ पर है ना, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मतलब कि आपको कंप्यूटर का कितना बेसिक नॉलेज है, इंटरनेट वगैरह, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, यही सबसे आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। सो आपको पता है कि एग्ज़ाम के बाद आपका टाइपिंग एंड स्टेनो होगा, जिसमें टाइपिंग आपका अगर बात करें, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट की। स्टेनो का मैंने आपको पहले ही बताया, 80 वर्ड्स पर मिनट का यहाँ पर स्टेनो होगा। सो आई होप कि आप मतलब ओवरऑल सिलेक्शन की प्रोसेस समझ गए होंगे। एग्ज़ाम के बाद ये और उसके बाद डीवी, देन मेडिकल, फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दी जाएगी। दिल्ली के अंदर आपकी वैकेंसी आई तो दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे आपको, जैसे कि DSSSB के थ्रू आपको अलॉट किया जाएगा, वहाँ पे आपको सर्व करना पड़ सकता है। अब रही बात कि आप जब सर्व करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, तो सैलरी ना स्टार्टिंग की 25,500 रुपीज़ से स्टार्ट होगी एंड आपको आफ्टर पर्सनल अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट 81,100 रुपीज़ तक सैलरी है, और ये सैलरी भी पोस्ट वाइज डिफर करती है। सो आई होप कि मैंने आपको जो भी डिटेल बताया आप कंप्लीट अच्छे से उसको समझ गए होंगे। कहीं पे भी कुछ क्वेरीज वगैरह हो, मन में कुछ डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछो। अदरवाइज इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूँगी, वहाँ पे जाके फॉलो करो और डाउनलोड करके आप एक बार थोड़ो आउट रीड करना नोटिफिकेशन को खुद से भी। और अगर आप चाहते हो कि आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टा पे भी फॉलो करो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ पे फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आए तो भर भर के लाइक करो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके ही जाना, ताकि सारी फ्रेश न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, bye bye, take care.